क्यूटी सी प्यारी सी, ये बहुत अच्छा गाना भी गाती है। लेकिन अभी हम इनसे पूछेंगे कि क्या कैसा लग रहा है अभी आपको। बाबू का बर्थडे है, किसका बर्थडे है? छोटू का। एवरीवन कैसे हैं आप सब? आए होप आप सब अच्छे होंगे। बोले झकास बिंदास लल्लन टॉप। तो यार मेरा नाम है प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। मैं आपको मिलाती हूँ किसी खास इंसान से। ये है मेरी दीदी और ये जो आज कपड़ा पहनी है ये इनको गिफ्टेड है। ये कपड़ा इनको गिफ्ट किया है जीजा जी ने और बहुत ज़्यादा प्यारी दिख रही हैं ये इसमें। बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। और यार इनका नाम है वर्षा दीदी, मेरे मामा की बेटी हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इनके दो क्यूट क्यूट बच्चे भी हैं और हम चल रहे हैं इनका मेकअप करने। चलो आपको दिखाते हैं मेकअप कैसे करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यार ये है मुस्कान। मुस्कान ये हंसती रहती इसलिए इनका नाम मुस्कान ही रख दिया गया। हटाओ हाथ हटाओ हाथ हटाओ, इतना शर्माती है लड़की। और ये है हमारी मामी जी, मुस्कान की मम्मी, और ये इनसे भी ज़्यादा क्यूट हॉटी और स्मार्ट हैं। तो मामी जी हाय कर लीजिए कम से कम। हाय हाय। तो यार ये है हम लोग का ग्रुप जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी है, जिसमें वर्षा दीदी अभी सज ली है एकदम दुल्हन की तरह। और इनको ये जो ड्रेस है ऑलरेडी मैंने बताया कि जीजा जी लाए इनके लिए। तो यार ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इसमें। और चलते देखते ब्लॉग में और आगे आगे क्या होगा। बबलू जो कि हमेशा खाते रहते इसलिए इतने मोटे हो गए हैं। और ये है हमारी दीदी जी जो अभी रेडी होके आई हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी दिख रही हैं। भैया दिखा दो थोड़ा सा अच्छे से। और ये हैं लड़के के बाप। ये है उस बच्चे के पिताजी डैडी। लड़की भगा के लाएगा नहीं डैडी, और मतलब उस बच्चे के डैडी, ठीक है, जिसका आज बर्थडे है। तो ये हमारे रिंकू भैया जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं और हम लोग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला फ्रेंडशिप है। तो यार ये है रिंकू भैया और ये है सुधा दीदी और ये मुस्कान ऑलरेडी आपको पता है जो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। और ये हैं हम, पता ही होगा पहले से, बाहर हमारी पार्टी हो रही है। हाँ बाहर हमारी पार्टी हो रही है, अभी वो भी दिखाते हैं हम आपको। सब हो गए हैं रेडी और हम भी हो गए हैं रेडी और अब चलते हैं छत पर। ये है हमारी प्यारी दीदी सुधा दीदी जो कि काफ़ी प्यारी नहीं है, प्यारी तो ये है। नहीं ऐसी बात नहीं। तो अब हम चलते हैं छत पर क्योंकि छत पे जा रहे हैं केक कटने। चलो चलते हैं छत पर। क्या करेंगे जब केक कटेगा? तो कटेगा तो हमें और पिंकी दोनों थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे और ज़्यादा नहीं खाएंगे। ज़्यादा खा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा थोड़ा खाएंगे यार। आज है तुम्हारे
धमाकेदार फंक्शन, तो कुछ लोग धमाकेदार सजे हुए हैं, जैसे कि हैं मेरी भाभी जी, ये तो पूरा दुल्हन लग रही है, अपने दुल्हन शादी वाला जोड़ा भी पहन रखा है इन्होंने तो यार। और ये है नट्टू प्रिंस, इसका नाम नट्टू है। और अब हम चलते हैं केक काटने। क्यूटी सी प्यारी सी, ये बहुत अच्छा गाना भी गाती है। लेकिन अभी हम इनसे पूछेंगे कि क्या कैसा लग रहा है अभी आपको। बाबू का बर्थडे है, किसका बर्थडे है? छोटू का, किसका? छोटा बाबू। छोटा बाबू कौन है नाम का? अद्दू। अद्दू नाम है उसका। तो यार ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और चल रहा है केक कटने, तो पहले हम लोग वहाँ पे चलते हैं। बिट्टी बिट्टी देख लो एक बार, हाय करो, हाय हाय, फिर से हाय करो, हाय। अरे अरे खड़े हो जाओ। और ये है वर्षा दी, अभी सुन कर दी दे। थोड़ा क्लोज आ जाओ, थोड़ा सा क्लोज और आ जाओ। तो फोटो अच्छी नहीं आ रही है दीदी, अच्छी नहीं आ रही भाई। हाँ अभी जी है मेरी मम्मी रेडी होके, और ये है मेरी दीदी जी रीता दीदी, जो कि काफी ज्यादा प्यारी है। ये भी मम्मी की अच्छी फ्रेंड भी है एक तरफ से, मम्मी इनकी बुआ लगती है। और ये है बाहर का डेकोरेशन, बाहर निकल कर दिखा दें। तो यार ये है मेरा एक नया ग्रुप जिसमें हम लोग खा रहे हैं टिक्की। मेरी टिक्की इधर है, फिर से टिक्की खा रही है बक्कर। स्मिता जो कि दोबारा खा रही है, और बहुत ज़्यादा भुक्कड़ है लड़की है, अभी दोबारा ये भी खा रही है, चाउमीन भी दोबारा खाएगी, खाना भी खा चुकी है फिर से खाएगी, अगर ये खाएगी तो फिर से खाएगी। और ये है आंटी जी, तो खाते रहो वही भुक्कड़ कब तक। और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए बता दो। बताओ, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, चाट, चाउमीन, कुछ नहीं, 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 नहीं। ये है इनका खाना, और ये मुझे खिला रही है, और ये सब मेरे भांजे लोग हैं, खाए दे रही हो। क्या करें, मुझे भूख ही नहीं लगी है यार, ऐसे लग रहा बाहर आ जाएगा।
तो यार हो गई है सुबह और हम सोकर उठ गए हैं। कल मेरा वीडियो नहीं बन पाया, इसकी सिर्फ एक वजह थी, वजह ये थी कि कल पूरा वीडियो इसलिए मैंने एंडिंग नहीं की क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब पैर वैर में दर्द होने लगा था। तो हम सो गए और अब उठे हैं। तो अब जब उठे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि वीडियो मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच जाए और आपका हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, टेक केयर सबको, बाय बाय, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपको। तब तक के लिए बाय 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 बाय।